दोस्तों, आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि राजस्थान स्कॉलरशिप 2022-23 का जो नोटिफिकेशन आया था ऑनलाइन फॉर्म करवाने का, वो आ चुका था। एंड यहाँ से आप 1 जुलाई से जो फॉर्म अप्लाई करने की लिंक थी वो यहाँ से दी गई थी। लेकिन दोस्तों, आज ही वो लिंक यहाँ से ओपन कर दी गई है। यानी आप अगर 2022-23 स्कॉलरशिप फॉर्म भर रहे हैं उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का, तो आप वो यहाँ से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो आपका जो न्यू एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ से लिंक ओपन हो गया है। तो दोस्तों, अगर आपने ये फॉर्म नहीं भरा है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, फॉर्म भरने से पहले इसमें कुछ परेशानी आ रही है। वो क्या परेशानी है, या आपका लिंक है जो ओपन हो चुका है वो कहाँ से देख सकते हैं, वो मैं इस वीडियो में कंप्लीट रूप से आपके लिए दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके पास स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले SSID लॉगिन होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि आपके पास अगर SSID नहीं है तो आप स्कॉलरशिप फॉर्म नहीं भर सकते। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, अगर स्कॉलरशिप जो ये गवर्नमेंट की होम वेबसाइट है, यहाँ पर स्कॉलरशिप के लिए आपको SSID है वो यहाँ पर या तो सिग्न अप करनी है, रजिस्टर करनी है। अगर आपके पास SSID है तो यहाँ से आप लॉगिन भी कर सकते हैं। डायरेक्ट लॉगिन का यहाँ पर लिंक दिया गया है जो यहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपनी SSID नहीं बनाई है और आप अगर फर्स्ट बार स्कॉलरशिप या कोई भी अन्य फॉर्म भर रहे हैं, तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ लिंक दिया है वीडियो का, वहाँ से देख करके आप अपनी SSID घर बैठे अपने मोबाइल से ही बना सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ से अगर आपकी SSID है तो यहाँ पर आप लॉगिन कर लेना। मैंने यहाँ से अपनी डायरेक्ट लॉगिन किया हुआ है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर अपनी SSID लॉगिन करके अपने SJEE पोर्टल पर आ चुका हूँ। और अब मैं यहाँ से अपने SJEE पोर्टल को ओपन कर लेता हूँ। स्कॉलरशिप SJEE पोर्टल यहाँ से ओपन हो चुका है मेरा। अब दोस्तों, यहाँ पर ये इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन होगा। इसमें अब क्या करना है, आपको यहाँ 3 लाइन दी गई हैं, आपको इस लाइन पर आना है और इसे यहाँ से इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद में स्टूडेंट स्कॉलरशिप वाला है। अब इसे यहाँ से अगर रेड करते हैं तो आपको यहाँ पर देखेगा सबसे ऊपर डैशबोर्ड एंड व्यू प्रोफाइल अपडेट न्यू एप्लीकेशन फ्रेशशिप कार्ड एंड FQ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप ये न्यू एप्लीकेशन आईडी है, इस पर आप फॉर्म अगर इंटर करते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार का ऑप्शन दिखेगा, जो सभी को नहीं दिखेगा लेकिन ज़्यादातर को यहाँ पर ये आपके लिए जो अलर्ट वाला ऑप्शन है ये आएगा। इसमें क्या है, ऑप्स योर एनुअल इनकम डिटेल्स आर नॉट अपडेट फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर एंड जन आधार प्लीज अपडेट एंड अप्लाई। तो दोस्तों, इसका मतलब यही है कि अगर आप अभी अपना फॉर्म भरवा रहे हैं तो उससे पहले आपके आधार कार्ड में आपका आय प्रमाण पत्र होना जरूरी है, मूल निवास एंड जाति प्रमाण पत्र, ये तीनों सर्टिफिकेट आपके नए होने चाहिए। एंड अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो उससे पहले ये आपके फॉर्म भरने से पहले आपके जन आधार कार्ड में होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आप जन आधार कार्ड में ये अपडेट कराते हैं उसके बाद ही आप ये स्कॉलरशिप फॉर्म यहाँ से भर सकते हैं। जन आधार में अगर आप अपडेट कराते हैं वो तुरंत अपडेट नहीं होता, उसमें टाइम लगता है, लगभग 7 दिन का टाइम लगेगा, उसके बाद में वो अपडेट होगा। अपडेट होने जाने के बाद में आप न्यू एप्लीकेशन आईडी पर लॉगिन करते हैं तो आप यहां से अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों, यहां से ये आपको दिखेगा, ये यहां से आप जैसे मैंने इसे बंद कर दिया है, क्लोज करने के बाद में यहाँ पर आप देखिएगा, मैं जैसे आपके लिए न्यू फॉर्म के लिए प्रोफाइल अपडेट में जाओगे आप तो यहाँ पर देखेंगे जैसे, तो यहाँ जैसे मैंने इसे ओके किया है, ओके करने के बाद में आपको नीचे सबसे लास्ट में देखेगा कि यहाँ पर दोनों फॉर्म भरने के लिए मुझे यहाँ पर सबसे पहले मूल निवास चाहिएगा, इसमें एंड 10th वार्षिक चाहिएगी एंड वार्षिक आय प्रमाण पत्र ये जो दिया गया है। दोस्तों, अब ये यहाँ पर नया बनवाना है तो यहाँ पर ये लिंक दी गई है, यहाँ पर अभी नया होगा, नया अपडेट करवाने के बाद में यहाँ पर ये राइट का चिन्ह आ जाएगा। तो दोस्तों, आप अगर इस प्रकार करवाते हैं अपना तो आप यहाँ से अपना स्कॉलरशिप फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको ये ज़्यादा देरी नहीं करनी, टाइम कम ही मिलता है एंड इस फॉर्म को भरने में टाइम काफ़ी लग जाता है, तो आपको ये जल्दी करना है एंड करने के बाद में फॉर्म अप्लाई करवा देना है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल गरीब राजा 1.0 को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।